मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी ने एक राहत पैकेज का अनाउंस लॉकडाउन और कोविड 19 को देखते हुए किया है। आवाम का कहना है कि इस राहत पैकेज का फ़ायदा आवाम तक पहुंचे ताकि लोग दोबारा अपने कारोबार को शुरू कर सकें और राहत महसूस कर सकें। आपका नाम? सविता सर, सविता। सविता जी, प्रधानमंत्री जी ने जो राहत पैकेज की घोषणा की है उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? जो उन्होंने राहत की जो दी है, उन्होंने पैकेज जो घोषणा किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं। मैं बस उनसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर उन्होंने पैकेज अनाउंस किया है तो वो जनता तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े तबके के उद्योगपति जो हैं वो तो आज खूब पैसा कमा के बैठे हैं, लेकिन जो हमारे गरीब मजदूर हैं, गरीब भाई हैं, जो रोज़मर्रा के बाज़ार लगाते हैं, रोज़मर्रा की ठेलियां लगाते हैं, सब्जी वाले, दूध वाले, सब लोग हैं, वो लोग इस टाइम इतनी संकट की घड़ी में इतने बहुत मजबूर हो चुके हैं कि आज उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोग अपने गाँव छोड़ के, ये दिल्ली छोड़ के गाँव जा रहे हैं, सब अपने एक जगह से दूसरे राज्य में अपने अपने यहाँ जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वो अनाउंस किया है तो उसे जल्द से जल्द जनता तक पहुंचे उनका पैकेज, जितना भी आए, चाहे थोड़ा आए चाहे ज़्यादा आए, लेकिन मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि वो हर मजदूर, हर छोटे छोटे तबकों के लोगों को उन वो पैकेज जो है जितना भी देंगे वो उनके बैंक में पहुंचाएं, जल्द से जल्द पहुंचाएं। आपका नाम? वीरू कुमार सर। वीरू कुमार जी, इन दिनों जो प्रधानमंत्री ने राहत पैकेज दिया उसके विषय में क्या कहते हैं और आप किस तरीके से लॉकडाउन में फंस गए ये बताएं। सर जैसे कि देखिए, हम गोरखपुर के निवासी हैं, ग्राम बिचरीपुर गक्सरा बाजार, वहाँ के रहने वाले सर। हम भी दिल्ली में आए थे जॉब के लिए सर, इधर लॉकडाउन भी लग गया, हम लोग को जॉब से छुट्टी भी दे दी है सर। अब दरअसली बात यह है सर, हम लोग की परेशानी की 2 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं और रूम के भाड़े भी दे रहे हैं सर। मुश्किल की बात यह है कि घर के लोग भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं सर, यहाँ से हम लोग भी घर जाना चाहते हैं, ना ही कोई व्यवस्था है हम गरीबों के लिए सर। मूल बात यह है सर, हम लोग जाएँ कैसे? और जो अरे माननीय मोदी जी ने जो चीज़ दिए हैं 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज सर, ये हम लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है कि गरीबों को जाएगा कि कहाँ जाएगा सर। जो प्रधानमंत्री जी ने राहत पैकेज की घोषणा की है उस बाबत आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है पैसों की, वो हर मजदूर के पास पैसा पूरा चाहिए, हर छोटे दुकानदार के पास पूरा चाहिए, ताकि छोटा दुकानदार जो अपना रोजी रोटी संभाल सके, अपने बच्चों को पाल सके। प्रधानमंत्री से हम वो बहुत आभारी रहेंगे इस बात के कि प्रधानमंत्री इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपने निगरानी में ये पैसा लोगों को दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो राहत पैकेज की घोषणा की उस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? वो पैसा जो हम तक अभी तो पहुंचा नहीं है, हम उन पैसे पहुंचे हम तक जब हम आगे अपना कारोबार बढ़ा सके। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल है। कुणाल जी, आपका क्या काम करते हैं आप? जी मैं एक छोटा सा चाय की दुकान चलाता हूँ अपने दादाजी के साथ है, उनकी एज, वो एजड हो 80 साल के हैं, वो उनकी हेल्प करता हूँ थोड़ा बहुत। इस लॉकडाउन की वजह से हमारे काफ़ी सामान बिक नहीं रहा है और काफ़ी दिक्कत हो गई है, लोग बाग ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं, और तुम्हारा जो प्रधानमंत्री ने अभी राहत पैकेज निकाला है उसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। इस टाइम हमारा कारोबार भी काम धाम थोड़ा बंद पड़ा है, और क्या बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और मैं अपील करना चाहता हूँ अपनी जनता से, ये बात मेरी प्रधानमंत्री तक पहुँचे, हम जैसे छोटे दुकानदारों को ये इस राहत पैकेज का फ़ायदा मिले थोड़ा बहुत, जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत मिले, जिससे हम अपना काम धंधा दोबारा पहले जैसा बना सके। इस लॉकडाउन की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, काफ़ी जो पहले से ही हुआ करती थी 1500-1500 वो कुछ भी हुआ करती थी, आज बिल्कुल 200-300 रुपये रह गई है। इस लॉकडाउन की वजह से ऐसी स्थिति आ गई है, बिल्कुल थोड़ा खाना खर्चा थोड़ा बहुत ही मुश्किल से उठाना पड़ रहा है, बस मैं इतना कहना चाहूँगा।